वेलकम बैक टू माई एडिशनल स्मॉल टाउन व्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चकाच होंगे। तो गाइज आज हम फाइनली आए हुए हैं सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर जो कि गुड़गांव से ओनली 17 किलोमीटर की दूरी पे है। नेशनल हाईवे आने का बहुत बढ़िया रास्ता है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के जानना चाहते हो या पक्षी लवर हो, बर्ड्स लवर हो, तो आप आएँ ज़रूर, अभी विजिट करें। यहाँ पे घूमने का सबसे बड़े एडवेंचर पार्क है और आज हम फाइनली हम भी इस एडवेंचर पार्क में आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्रकार की आपको बर्ड्स देख सकते हो और आप उस साइड देख सकते हो, दोनों साइड। और ये यहाँ पे ये रहा मेन एंट्रेंस गेट सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो गाइस अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको नज़ारा मिलने वाला है और प्रकृति का जो आप सौंदर्य लेना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ विजिट करें। अब चलते हैं गाइस अंदर, आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या है। तो गाइस ये रहा एंट्रेंस गेट और आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले इस तरफ गाड़ियों की पार्किंग है और बाइक की इस साइड को पार्किंग है। और ये रहा सामने टिकट काउंटर सुल्तानपुर नेशनल हाईवे। और हम चलते हैं गाइस टिकट लेने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले 5 रुपये एक पर पर्सन का टिकट है। अगर आप गोप्रो लेते हैं तो गोप्रो का 50 रुपये, अगर कैमरा वगैरह लेता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। प्लस अगर आपको कैमरा लेना है तो उसके, अगर आपको दूरबीन लेना है क्योंकि आपको पक्षी देखने के लिए दूरबीन चाहिए होगा, तो उसका 2 रुपये चार्ज तो हम भी देते हैं। तो गाइस हम फाइनली टिकट काउंटर पे टिकट ले चुके हैं जो कि हमें पड़ा हुआ है। मेरे पास गाड़ी भी है प्लस गोप्रो है और हम 2 पर्सन है, तो मेरे को पड़ा 65 रुपये का। और अब चलते हैं गाइस अंदर, 65 का हमने टिकट ले लिया है। तो अगर आपके पास कैमरा, बड़ा कैमरा है तो उसका अलग चार्ज है, गोप्रो है तो उसका 50 रुपये चार्ज है, पर पर्सन का 5 रुपये चार्ज है, बाकी कार का और बाइक का वो चार्जेस अलग अलग है। तो अगर आप बर्ड्स लवर हो, अगर आप बर्ड देखना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक कैमरा, यानी कि दूरबीन यहाँ पे मिलता है, उसका चार्ज है 200 रुपये। उसके लिए आपकी ID जमा होगी। तो अभी कभी भी अगर यहाँ पे आए तो गूगल पे के भरोसे ना आए भाई, हमें भी गूगल पे भरोसे आए थे तो यहाँ पे सामने पे दुकान है तो उसकी वजह से हम भैया ने हमको दे दिया, मतलब कैश दे दिया, तो हम अब आए हुए कैश दिए। तो अगर आप भी आएँ तो ऑलवेज़ कैश लेके आए, भाई गूगल पे यहाँ पे नहीं चलते। तो गाइस चलते हैं फटाफट अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू, लेट्स गो गाइस। पहले अंदर आए थे बट इन्होंने मना कर दिया, बोला कि कैमरे का चार्ज है 500 रुपये, सिर्फ ओनली ऑन कैमरे का चार्ज 500 रुपये। तो कैमरे इन्होंने काउंटर पे जमा कर दिया है और उसके बाद अब हम निकलते हैं अंदर। भैया फ़ोन से ही जो बनेगी वीडियो फ़ोन से बनेगी क्योंकि थोड़ा बहुत फ़ोन लैग, मतलब थोड़ा स्टेबल नहीं है इतना, तो थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। तो गाइस मैनेज कर लेना क्योंकि अभी तो भाई कैमरा हमने काउंटर पर जमा कर लिया, तो चलो फ़ोन है ही। तो गाइस लेट्स गो, अब चलते। और ये रहा सामने टिकट काउंटर, यहाँ पे हमारा गोप्रो वगैरह सब जमा है। और जो ये मेन गेट है ये इस तरीके से है, देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा गेट है। तो गाइस अब चलते हैं अंदर। ये देखिए आपको खाद्य पदार्थ जो भी आप अंदर ले जाना सख्त मना है। और ये रहा गाइस सबसे मेन इंटरेस्ट, ये देख सकते हैं रामसर साइट और सुल्तानपुर नेशनल पार्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो गाइस ये अब चलते हैं अंदर। और ये रहा सबसे मेन जो है अंदर का इंट्रेंस गेट है, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आप देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर और बेहतरीन जो यहाँ पर पार्क है। यार मैं पूरा एक बार व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा पार्क का, बैठने का बिल्कुल एंजॉय ले सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है कि आप प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ें आप इंजॉय कर। फाइनली आप चलते हैं अंदर। ये रहा वेलकम, ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये रहा गेट। ये पूरा पक्षियों का ही एरिया है, मतलब यहाँ पे आप बहुत प्रकार की यहाँ पे आपको पक्षियाँ मिले, सबका एंजॉय ले सकते हो क्योंकि जितना भी ये बर्ड्स है ये टोटल पक्षियों का ही है, मतलब उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। तो अभी हम मेन अंदर एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको घूमना है, यहाँ पर घूमना है तो एडवेंचर के लिए आपको गाड़ियाँ मिलेंगी जिनका चार्ज समथिंग 600 रुपये गाइस। अगर आप इन पर घूमना चाहते हैं चार्ज पड़ेगा आपको 600 रुपये। तो हम तो पैदल चलेंगे क्योंकि कम से कम ये होगा 3 किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा अंदर, पूरे जंगल में 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो कैसे, अगर आप चलना नहीं चाहते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और आप 600 रुपये दे के चल सकते हैं गाइस। तो आपको दिखाते हैं अंदर कि चल सबसे पहले अंदर का व्यू किस तरीके का है। तो देखो गाइस क्या यहाँ पर, तो गाइस अब सबसे पहले अब हम पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस ये रहा पार्क और ये रहा पूरा पार्क का नज़र। आप देखो सामने तक भी आप देख सकते हो पूरा खाली खाली है, ये पूरा आप एक जंगल का व्यू बनाया हुआ है, मतलब जंगल है पूरा है, इस जंगल को काट के इन्होंने ये पार्क बनाया हुआ है गाइस। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ। और ये रहा यहाँ का जो एंट्रेंस चलने का अंदर रास्ता, आप देख सकते हो मिट्टी वगैरह का है, पूरा पेड़ पौधे एकदम नेचुरल चीज़ें हैं।
आपको नेचुरल यहाँ पे बर्ड्स वगैरह मिलेंगे, जितने भी बर्ड्स होते हैं तो उनको देख, आपको एक यहाँ पे दूरबीन लेना पड़ेगा जिसका मैंने आपको चार्ज बताया था 600 रुपये समथिंग, नहीं 200 रुपये समथिंग है। तो आप उस दूरबीन को लो, आपको अपना आई कार्ड वगैरह जमा करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे दूरबीन से ले सकते हैं। क्योंकि गोप्रो में तो जूम होगा नहीं, तो मैंने अभी फ़ोन यूज़ किया हुआ है, तो जितनी भी चीज़ें अगर दिखेंगी हमको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें। तो गाइस सबसे पहला अगर आप यहाँ पे हो, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत इंजॉय है, बट थोड़ा कि गोप्रो वगैरह अंदर लाना नहीं पड़, मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा हिलेगी फ़ोटो, बट फिर भी ठीक है, जितना भी आएगा मस्त आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा गाइस। गाइस ये आप देख सकते हैं सामने हिरन, वो दूर तक दिख रहा होगा वो हिरन, ये गाइस चल रहा है हिरन। ये फ़ोन से इतनी स्टेबिलिटी और क्वालिटी नहीं है अरे जितना गोप्रो वगैरह से आती है। तो गाइस हमने सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पे, हमने सबसे पहले एक हिरन देखा उधर सामने है, क्योंकि जूम तो इतना हो नहीं रहा, बट गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले आपको हिरन दिखा, आगे चलता है और देखते हैं आगे क्या क्या क्या। गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा यानी दिख रहा होगा बहुत सारी पंछियाँ हैं, ये सामने बहुत सारी पंछियाँ आप ये देखो हल्के दिख रही होगी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पंछी यहाँ पे है। क्योंकि फ़ोन इतना वो नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा कैमरा वगैरह तो अभी लाए नहीं क्योंकि सब जमा हो गया, तो बस जितनी आएगी इससे मैं बेहतरीन से बेहतरीन निकालने की कोशिश करूँगा और आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा इस पूरी चीज़ें। यहाँ का नज़ारा लेते लेते हमें एक टावर मिला, अभी से चल के हम आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह का व्यू है। गाइस सामने टावर, देन अब चलते हैं, इसकी हाइट देख सकते हो आप लगभग बहुत ऊँची है, तो हम आपको आपका यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस चलते हैं टावर के ऊपर, 3 स्टेप टावर है भाई, पहुँचते हैं फटाफट। गाइस फाइनली हम इस टावर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से सबसे बढ़िया व्यू दिख रहा है इस जगह का, यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है भाई, फट रही है कसम से, बहुत हाइट है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, ये रहा गाइस कितना सुंदर नज़ारा है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है इसकी वजह से आपको यहाँ का पूरा व्यू का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। गाइस ये देख भाई बहुत प्यारा नज़ारा, अभी तो आधा भी नहीं गए, अभी तो बहुत बाकी है, पर टावर चढ़ते चढ़ते सांस फूल चुकी है। गाइस यहाँ आने के बाद एक्चुअल में ऐसा लगा कि वाकई में नेचर के बहुत करीब है, बहुत पास है। आपको दिखाता हूँ गाइस, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये रहा गाइस यहाँ सुंदर सा नज़ारा, इसीलिए गाइस यहाँ आने के लिए मैं इतना बेताब था। देख सकते हैं गाइस आप भी कितना प्यारा, कितनी सारी पक्षी आपको सामने, भले कैमरे में कम दिखे होगी पर बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे हिरन इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, आप देख सकते हैं। ये रहा गाइस एक्चुअल नेचर का नज़ारा, अगर आप भी नेचर प्रेमी हो तो गाइस यहाँ ज़रूर आए और ज़रूर विजिट करें भाई, बहुत मस्त जगह है, बहुत झकास जगह है। आई होप सो आप भी वीडियो को एंजॉय ले रहे होंगे, तो गाइस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, एंड गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइस। तो अगर आप बेल आइकन और प्रेस कर दोगे तो गाइस आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग भी मिलते रहेंगे, और गाइस हम ऐसी नेचर वाली जगह जाते रहेंगे और बहुत सारी हाइपर राइडिंग की ब्लॉग भी बनाते रहेंगे गाइस। तो वीडियो बने रहो गाइस और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा, चलो लेट्स गो गाइस। भाई पैदल चल चल के पूरी हालत हो गई है, कम से कम 3 साढ़े 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, अभी तो हम आधा हमने सफर तय किया है पैदल चल चल के। हमको रास्ते में हिरन मिले, बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति मिली, मोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली, बट फ़ोन से सब दिखाना इम्पॉसिबल ही है लगभग, क्योंकि अगर वो आईफोन वगैरह तो दिखा भी सकते थे। यहाँ पे अगर ये चीज़ देखनी है ना गाइस तो आपको दूरबीन लेना पड़ेगा, आप दूरबीन लो और दूरबीन से जाके आराम से नज़ारे लो, मस्त से आपको जो भी चीज़ें मतलब देखनी हो आप दूरबीन से देख सकते हो। तो गाइस अभी हमारा आधा सफ़र पूरा पैदल चलते चलते, अभी आधा सफ़र बाकी है, तो फिलहाल हम रेस्ट कर रहे हैं भाई, बैठने का इन्होंने बीच में शेल्टर वगैरह बनाया हुआ है, तो बैठना है भाई, खाने पीने की चीज़ अलाउड नहीं है, बस पानी की बोतल गाइस ज़रूर अपने साथ ले आना, कैरी करना, क्योंकि अंदर भाई कुछ नहीं मिलने वाला जंगल के अलावा। हम अभी पानी प्यास लगी है बट हम लाए नहीं, तो अभी चलते हैं सफ़र पूरा करते हैं, देन बाहर पे पानी पीते हैं। तो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ नया इंटरेस्टिंग मिलता है नहीं मिलता है। तो गाइस आपने फाइनली इंजॉय क्या हुआ, तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है घूमने के लिए, बहुत मस्त जगह है,
बट गाइज अगर आप यहाँ पे आए तो जरूर हैंड कैश ले आए, क्योंकि अब गूगल पे नहीं चलता है। और सेकंड चीज, आप दूरबीन जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं, क्योंकि ये क्या है, ओनली ऑन बर्ड्स के लिए है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मली आते हैं तो गाइज आपको बर्ड्स तो दिखेंगे बट वो नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी घूमा, बहुत कुछ है मिला, बहुत कुछ है, बट हम उतना कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि जो दूरबीन है वो उस चीज़ के लिए कि हम दूर की चीज़ देख सके। तो बट हमारे पास कैमरा था, तो नॉर्मल जितना हो उतना बनाया है, आपने वीडियो भी इंजॉय किया होगा। तो वाइस मैंने बता दिया, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो वाटर बॉटल में साल लाएँ, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। देन सेकंड चीज़, दूरबीन अवश्य लें, तो 200 का होगा। प्लस थर्ड चीज़ है, आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ओनली ऑन हैंड कैश होगा। तो गाइस जब यहाँ पे आओगे आप, तो आपको दिल्ली से पास पड़ेगा, ओनली ऑन 17 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे है, कोई कोई दिक्कत विक्कत नहीं आएगी। तो गाइस आप जरूर आएँ और विजिट जरूर करें। तो गाइस वीडियो को पसंद किया होगा आपने, लाइक करें, शेयर करें, एंड गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, लाइक करना।